साल 2018 खत्म हुआ, आने वाला साल नई उम्मीदों, नए उत्साह के साथ आता है। जिस तरह हमारे छोटे मोटे प्रण हमारे साल को आकार देते हैं, उसी तरह कुछ मुद्दे आने वाले साल में देश की रूपरेखा तैयार करेंगे। आइए जानते हैं उन मुद्दों के बारे में जो साल 2019 में लाइमलाइट में बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को मिली एक तरफा जीत ने सबको चौंका दिया था। मोदी लहर के आगे कांग्रेस के मजबूत किले भी ताश के पत्ते की तरह ढह गए। 5 साल बाद अब फिर चुनाव होने को हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत और राहुल का बढ़ता वर्चस्व भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मोदी बड़े सितारे या राहुल। 2014 में जिस तरह एक बड़े नेता के रूप में मोदी उभरे, दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई थी। भाजपा की डूबती नैया को मोदी ने अपने नारों और विचारों से उबाल लिया था। मोदी ने जनता को इस कदर अपना दीवाना बना लिया कि जनता ने एक सुर में मोदी को ही अपने देश का प्रधानमंत्री चुना। इस बीच राहुल भी अपनी उपस्थिति लोगों के बीच दर्ज करवाते रहे, जहां एक और भाजपा अपनी लगातार जीत का जश्न मना रही थी, दूसरी ओर राहुल खुद को एक नेता के रूप में तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बावजूद भी राहुल गांधी कांग्रेस का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। जनता से सीधा संवाद हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी से बात, हर मोर्चे पर राहुल ने धैर्य से काम लिया। नतीजा, राहुल गांधी के सानिध्य में अक्टूबर नवम्बर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। राम मंदिर निर्माण। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत देश के तमाम साधु संत सरकार पर मंदिर को लेकर कानून बनाने का दबाव बना रहे हैं। भाजपा के लिए राम मंदिर हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। ऐसे में क्या साल 2019 में राम मंदिर का निर्माण हो पाता है, या फिर यह एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फेक न्यूज़। साल 2018 फेक न्यूज़ के नाम रहा, चाहे वो भीमा कोरेगांव में मची हिंसा हो या फिर मॉब लिंचिंग में बेकसूरों को मौत के घाट उतारना। फर्जी खबरों ने साल 2018 में भीड़ को हत्यारा बना दिया। इस साल फर्जी खबरों की वजह से कोई उत्पात ना मचे, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। एक तरफ व्हाट्सएप फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए रेडियो के बाद अब टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित करने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर भारत में फेक न्यूज रोकने के लिए फेसबुक ने न्यूज एजेंसी AFP से हाथ मिलाया है। एयर इंडिया जेट एयरवेज डील। घाटे में चल रही एयर इंडिया को उबारने के लिए सरकार ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दुनिया भर में ऐसे प्रोफेशनल दिग्गज खोजे जाएंगे जो एयर इंडिया को घाटे से उबारने में सफल हो सकें। एयर इंडिया के अलावा जेट एयरवेज भी घाटे में चल रही है। खुद को उबारने के लिए जेट एयरवेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1500 करोड़ रुपए का लोन लेने की कोशिश में जुटी है। आने वाले साल में क्या ये दोनों एयरवेज कंपनी घाटे से उभर पाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रिपल तलाक कानून। एक बार में 3 तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाने वाले 3 तलाक विधेयक पर समय समय पर चर्चा होती ही रहती है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा का ये मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन साल 2018 तक इस पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 3 तलाक बिल पर AIMPLB अक्सर कहता रहा है कि मुस्लिम पक्ष की राय क्यों नहीं ली गई। महिलाओं की परेशानी बढ़ाने वाला बिल, शरीयत के खिलाफ 3 तलाक बिल, शौहर जेल में होगा तो खर्च कौन देगा, जब 3 तलाक अवैध तो सजा क्यों, किसी तीसरे की शिकायत पर केस कैसे। लोकसभा में इन सभी मुद्दों पर ये बिल अटका हुआ है। हालांकि लोकसभा में 3 तलाक बिल तो पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल की राह थोड़ी कठिन नजर आ रही है। भारत पाक रिश्ते। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत पाक के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन समय समय पर इमरान खान कश्मीर राग अलापते नजर आते रहे हैं। हाल ही में सूत्रों के हवाले से भी खबर आई कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार के लिए कोई अहम कदम उठाए जाने की संभावना नहीं है। amarujala.com